नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लगातार यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा जीना करनाल की ओर से प्रदेश के लगभग 2,00,000 कर्मचारी एवं उनके परिवारों के लिए पद विभाग एवं सांगठनिक दूरी भुलाकर पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक पेंशन आक्रोश मार्च कल यहाँ पर निकाला गया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति करनाल ने बुधवार को मानव सेवा संघ से लघु सचिवालय तक पेंशन आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में मुख्य रूप से राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल, जिला प्रधान संदीप टूर्न व जिला वरिष्ठ उप प्रधान पदम सिंह भी यहाँ पर शामिल हुए। राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल व राज्य मुख्य सचिवालय ऋषिपाल नयन ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही सरकार के हित में, यह केवल पूंजीपतियों के हित में है। हम 2018 से लगातार इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी हर जिला में पेंशन आक्रोश मार्च निकालकर सरकार को चेता रहे हैं। सरकार सितंबर 2024 तक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली कर दे, नहीं तो 19 फरवरी 2023 की तरह लाखों की संख्या में कर्मचारी पंचकुला में इकट्ठित हो गए और चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव करेंगे। जिला प्रधान संदीप टूर्न व जिला वरिष्ठ उप प्रधान पदम सिंह ने कहा कि सीएम आवास घेराव के अलावा आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे और जो भी राजनीतिक दल कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली करेगा उसी को सत्ता तक पहुँचाने का काम कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। पेंशन आक्रोश मार्च को समर्थन देने आए आईटीआई राज्य प्रधान मलखान सिंह व हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष संघ के राज्य प्रधान धर्मेंद्र ढांडा ने कहा कि कर्मचारियों की इस जायज मांग को जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा सभी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध में मतदान करने का कार्य करेंगे। मौके पर राज्य कार्यकारिणी से वरिष्ठ उप प्रधान अनूप लाठर, उप प्रधान कमलदीप हुसैनी, देवराज बल्लान, मीडिया प्रभारी दिनेश शर्मा, मुख्य सलाहकार प्रमोद, ऑडिटर विजय, राज्य कार्यकारिणी सदस्य संदीप व धर्मपाल सरोहा यहां पर मौजूद रहे थे। तो इस तरह से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए भी अलग अलग राज्यों में तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है और सरकार से ये मनवाने की कोशिश की जा रही है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली यहाँ पर की जाए और एनपीएस जो अभी वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है उसे बंद किया जाए। यहाँ पर भी 31 जुलाई को कर्मचारियों ने पेंशन आक्रोश मार्च यहाँ पर निकाला और आगे सीएम आवास को घेरने की चेतावनी भी कर्मचारियों की ओर से दी गई है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को निकल कर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट ओपीएस ईपीएस जैसी पेंशन से जुड़ी खबरों कर्मचारियों की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।